आज हम आपके लिए लेके आए हैं हार्ले डेविडसन 883। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड मोटरस्पोर्ट्स। मैं अमर अशरफ। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हार्ले डेविडसन 883। इकोनॉमिकल बजट में और एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक हार्ले डेविडसन 883 है। हार्ले की प्राइसेस आसमान से बातें करती हैं, बट ये 883 एक ऐसा बाइक है जो एक रीजनेबल बजट के अंदर आ जाता है। जैसा कि इसके नाम से 883 मेंशन है, तो ये 883 सीसी होता है। इसकी इंजन की डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 883 होती है। 86 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। क्रूजर्स की नॉर्मली हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज क्रूजर्स आर नॉट मेंट फॉर रेस, रेस पर्पज़ के लिए नहीं होते। आप इस पर क्रूजिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो हार्ले डेविडसन 883 86 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। वी ट्विन डॉक इंजन विद ओवरहेड केम इसके अंदर आता है और एयर कूल इंजन है नॉर्मल। टोटल 4 वॉल्व होते हैं इसके इंजन के अंदर, 2 वॉल्व्स पर सिलेंडर, और इसकी जो वी ट्विन की शेप है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। रिम्स को देखें, उसकी अपनी खूबसूरती है, एक डिफरेंट किस्म की चीज है और काफी खूबसूरत बाइक है। डिटेल में आज इसके बारे में बात करेंगे। साउंड टेस्ट स्टार्टिंग में आपने देख लिया, एंड में भी आपको प्रॉपर साउंड टेस्ट करवाएंगे और फिर बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अपने 360 की जाने और मजीद डिटेल्स आपको वहां। जी तो व्यूअर्स, इस बाइक का फ्रंट टायर आप देख सकते हैं। इसके फ्रंट का टायर का साइज होता है 190x19, यानी 19 इंच का रिम है, 100 उसकी चौड़ाई है और 90 उसकी प्रोफाइल है। काफ़ी खूबसूरत लगता है इस बाइक के साथ इसका सेटिंग पॉस्चर जिस तरीके से है, और एक खूबसूरत अलॉय रिम यहाँ पर हमें दिया गया है। शॉक से अगर बात कर ली जाए तो नॉर्मल टेलीस्कोपिक यहाँ पर हमें शॉक दे दिए जाते हैं। हार्ले डेविडसन 883 के अंदर फ्रंट के ऊपर हमें सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है, लेकिन काफ़ी हैवी पिस्टन कैलिबर यहाँ पर हमें दे दिया जाता है। फ्रंट लाइट के बारे में अगर बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर इसकी एक गोल अपनी ओरिजिनल हार्ले की लाइट लगी है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी आफ्टर मार्केट लाइट्स भी आती हैं जो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंडिकेटर का की पोजीशन काफ़ी बेहतर है इस बाइक के साथ। इन्होंने इस तरीके से इंडिकेटर दिए हैं कि हैंडल के अंदर ही हैं, और इसके साइड मिरर्स भी अगर आप देखते हैं तो साइड मिरर्स भी आपको बॉटम की जानेब नज़र आते हैं। ये साइड मिरर्स आप इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, बट इसकी खूबसूरती इसी तरह ही नीचे लगे हुए हैं, क्योंकि बाइक का सेटिंग पोस्चर हैंडल इस किस्म का है कि इसके साथ इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। जी तो व्यूअर्स, एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी साउंड है। और इस बाइक इस एग्जॉस्ट के अंदर हमें यहाँ पर डीबी किलर भी दिया जाता है। अगर इस बाइक की साउंड को मजीद लाउड करना चाहें तो इसके अंदर डीबी किलर है, उसको निकाला जाए तो इसकी साउंड काफ़ी लाउड हो जाती है। उसके अलावा इसके इंजन के बारे में व्यूअर्स बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ले डेविडसन 883 जो है इसकी इंजन की डिस्प्लेसमेंट 883 है। हॉर्स पावर की अगर बात कर लीजिए तो ये बाइक 86 यानी कि 86 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। वी ट्विन इंजन है और 2 वॉल्व पर सिलेंडर यहाँ पर हमें दिए जाते हैं। स्विंग आर्म इसकी देख सकते हैं कि आप, इसकी एक अच्छी पावरफुल किस्म की स्विंग आर्म है। शॉक्स अच्छे पावरेबल शॉक्स हैं और यहाँ पर हमें 3 एडजस्टमेंट के लेवल दिए गए हैं जहाँ पर हम शॉक की हाइट को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं।
उसके अलावा इसकी अगर और व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चेन स्प्रॉकेट नहीं दी जाती बल्कि यहाँ पर आपको एक पुली दी जाती है और बेल्ट ड्रिवन ये बाइक है, इसमें किसी किस्म की चेन नहीं होती जिसकी वजह से इसकी गियर शिफ्टिंग काफी ज्यादा स्मूथ होती है। रियर रिम की अगर बात कर लीजिए तो बैक के ऊपर भी एक खूबसूरत हमें अलॉय रिम दिया जाता है जिसका डिजाइन एग्जैक्टली सेम है जिस तरीके से फ्रंट का है। और फ्रंट बैक टायर की अगर बात कर लीजिए तो 150/80/16 का यहाँ पर हमें टायर दे दिया जाता है, यानी फ्रंट रिम 19 का और बैक का रिम 16 का, और इस वजह से इसकी सेटिंग बड़ी ही ज्यादा अच्छी लगती है फ्रंट से उठा हुआ और बैक से बाइक बैठा हुआ। उसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप इसकी रेयर डिस्क देखें तो रेयर के ऊपर भी हमें सिंगल डिस्क ब्रेक और सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है लेकिन काफी पावरफुल पिस्टन कैलिबर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लाइसेंस प्लेट की ऑप्शन दी जाती है जो आफ्टर मार्केट लाइसेंस प्लेट है, इसके अंदर लाइट भी लगी हुई है, यहाँ पर आपकी प्लेट प्रॉपर डिस्प्ले होगी और उसके ऊपर लाइट भी आती है। उसके अलावा इंजन का ब्लॉक आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मैट ब्लैक कलर के अंदर खूबसूरत नजर आ रहा है। और गियर ट्रांसमिशन की यहाँ पर बात कर ली जाए व्यूअर्स तो यहाँ पर हमें 5-speed रिवर्स गियर ट्रांसमिशन दिए जाते हैं। लिए चलते हैं जी व्यूअर्स, अब आपको इसकी मीटर की जाने इसकी ग्रिप्स दिखाते हैं और फिर बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। व्यूअर्स इस बाइक की माइलेज 11,271 है और इसकी मीटर के अंदर हमें आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है और माइलेज की ऑप्शन यहाँ पर हमें दे दी जाती है। उसके अलावा यहाँ से आप ट्रिप ए और ट्रिप बी की ऑप्शन भी आपको दी जाती है, क्लॉक की ऑप्शन भी इधर दी जाती है। राइट ग्रिप के ऊपर आ जाए तो राइट के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है और इंडिकेटर की। हार्ले का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट इंडिकेटर यहाँ से राइट से आप चलाते हैं और बंद करने के लिए भी इसी को प्रेस करना पड़ता है, लेफ्ट इंडिकेटर आप लेफ्ट साइड से चलाते हैं और बंद करने के लिए भी लेफ्ट को प्रेस करना होता है। और यहाँ पर आपको हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है और लो और हाई की ऑप्शन भी दी जाती है। पेट्रोल टैंक की अगर बात कर ली जाए व्यूअर्स तो काफी ही ज्यादा एक स्लीक किस्म का फ्यूल टैंक है और यही इसकी मेन खूबसूरती है। और फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो 10 लीटर फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल रखने की सलाहियत है। लिए चलते हैं जी व्यूअर्स अब आपको इसके फाइनल साउंड टेस्ट की जाने और फिर बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। व्यूअर्स ये देखा आपने कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस हार्ले डेविडसन 883, साउंड टेस्ट भी देखा आपने, 2012 का ये मॉडल है, कराची रजिस्टर्ड ये बाइक है और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 20 लाख रुपए है, 2 मिलियन रुपीस। इस बाइक को परचेज करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विजिट भी कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे से रابطہ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।